सबसे पहले मैं आप सभी को पूर्णिमा का बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूं। परमेश्वर की असीम अनुकंपा है, इस सुंदर तपोवन में आप सभी को पुण्यप्रद अवसर पर यहां बैठकर थोड़ी देर के लिए जप तप करने का अवसर मिला है। आप लोग जानते हैं कि मंत्र शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। मेरी आवाज ठीक आ रही है अब तक? तो मंत्र शक्ति के सहारे हम देवताओं से जुड़ते हैं, ब्रह्मांड से जुड़ते हैं। देवताओं की शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली है और देवताओं के ऊपर परब्रह्म परमेश्वर की शक्ति है। और जब हम ये कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, तो गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश्वर है, तो ये त्रिदेव जो एक सृजन करने की शक्ति, निर्माण करने की शक्ति देते हैं, दूसरे पालन पोषण, विकास, उन्नति, और तीसरे सुख, शांति, आनंद, चैन, तृप्ति। तीनों शक्तियां ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जिस माध्यम से काम करती हैं, मतलब परब्रह्म परमेश्वर के द्वारा अपनी शक्ति त्रिदेवों में, त्रिदेवों से सब देवों में, और सब देवों की शक्तियां माध्यम बनकर, क्योंकि ये सारी शक्तियां जितनी है वो आकार में नहीं आती। देवताओं की शक्ति निराकार शक्ति, परब्रह्म की शक्ति निराकार शक्ति, सारी शक्तियां निराकार हैं। वो निराकार शक्तियां साकार के माध्यम से कार्य करती हैं। हमारे शरीर में हमारी आत्मा जब शरीर से अलग निकल जाती है, न तो शरीर काम करता है, न आत्मा काम करती। जब आत्मा और शरीर दोनों मिल जाते हैं तब शरीर काम करता है और कराती है आत्मा। ऐसे परमात्मा काम कराने के लिए कोई न कोई माध्यम चुनता है, जरिया चुनता है, और वो जरिया इस धरती पर गुरु बनता है। गुरु के जरिए से जैसे विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी दिखाई नहीं देती, लेकिन तारों के माध्यम से बहती भी आती है। जिस चीज़ से कनेक्शन जुड़ जाएगा, माइक से जुड़ा तो ये काम करना शुरू करेगा, पंखे से कनेक्शन जुड़ गया तो पंखा चलना शुरू हो जाएगा, लाइट से जुड़ गया तो लाइट आनी शुरू हो जाएगी, कनेक्शन कट गया लाइट गई, पंखा बंद, एसी बंद, तो वो जो लाइट है, जो पावर है, वो तो परमात्मा की, जो वायर है वो गुरु, और जिससे जुड़ता है वो पंखा आप, बल्ब आप, टीवी आप। तो आपको सीधे पावर से आप नहीं जुड़ सकते, आपको तो वायर से जुड़ना है, वायर को पावर हाउस से जुड़ना। तो गुरु पावर हाउस से जुड़ा हुआ है, आप गुरु से जुड़े हुए हैं, तो कनेक्शन आ रहा है ना, पावर वहां से आ रही है। तो इन दिनों पूरा एक अवसर है जब आप अपनी मंत्र शक्ति जगाओगे। ये समय है जब आप अपने गुनाहों के लिए क्षमा याचना करोगे। यही समय है जब आप अपनी भक्ति जागृत करके अपना भविष्य सुधारोगे। इसलिए एक अवसर को माना गया है कि ये पूर्णिमा आ जाएगी और शरद पूर्णिमा तक लगातार जाप करना चाहिए और गुरु से जुड़े रहना चाहिए। तो कोई रिश्ता नाता इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना गुरु का रिश्ता महत्वपूर्ण है। गुरु के साथ आपको अपना कनेक्शन जोड़े रखना है, गुरु भगवान से जुड़े रहें, पावर आप तक पहुंचती रहे, आपके घर में पंखा एसी चलते रहें, मतलब ठंडी हवा आती रहे, आपके घर में रोशनी आती रहे, आपके घर के अंदर हर तरह का आनंद बरसता रहे। तो इसलिए ध्यान रख लीजिए, जो
कुल मिलाकर संसार की वस्तुओं से जुड़े हुए हैं, वस्तु से जुड़ने के बाद भी सुरक्षित नहीं है, भगवान से जुड़े सुरक्षित हैं। इसलिए आप समझ लीजिए कि आज का अवसर अपनी सारी गलतियों को याद करके क्षमा याचना करना है, मंत्र जाप करना है, जो चीज़ बढ़ाना चाहते हो, प्रसन्नता बढ़ानी, मन मन में बैठे बैठे वहीं से गुरु के चरणों में पुष्प अर्पित कर रहा हूँ। जब आप सोचते हैं मैं शरीर से सक्षम रहूं आखिरी तक तो सेवा में अपना मन लगाऊंगा, मैं चाहता हूं कि मेरे घर में धन बढ़े, एकाएक बढ़ जाए, कोई ऐसा काम बन जाए, जमीन आ जाए, मकान बन जाए, तो एक मुश्त कुछ दिया जाता है गुरु के कार्यों में। आप सोचते हैं लगातार कुछ आवक आती रहे, काम चलते रहें, तो नियमित आपको कुछ न कुछ राशि लगानी चाहिए। आप चाहते हैं कि आपको माफ़ किया जाए, तो सेवा करते समय किसी न किसी के जरिए से आपको कष्ट पहुंचता है। जैसे अभी कुछ लोग बहुत प्रेम से मेरे से मिलने आना चाहते थे, जो आगे लगे हुए थे वो धक्का दे रहे थे, और धक्का भी थोड़ा नहीं दे रहे थे, ऐसा धक्का दे रहे थे आसान वाला धक्का नहीं था। इन्होंने धक्का इसलिए देना था क्योंकि मुझे सुरक्षित रखना था, मेरे पाँव को ऐसे तो मुड़ गया ना, कुछ पीछे आ रहे थे कुछ इधर आ रहे थे, वो मुझे देखने नहीं देते, पाँव मुड़ गया, अब मैं तो चलता जा रहा हूँ, डॉक्टर कहता आराम करो, अब आप आराम तो करने नहीं देते हैं। तो कुछ को बुरा लगेगा जब धक्का दिया जाएगा, गुरु के दर पर भी आके धक्का खाएंगे क्या? लेकिन जिनको आगे रहकर कार्य करना, सेवा करनी, उन बेचारों को हटाना पड़ेगा सबको, तो बुरा तो मानना नहीं। तो यहाँ क्षमा मांगना है, क्षमा करना है, याद रखिए, सेवा मांगनी है, सेवा करनी है, दान देना है और साथ बदले में कृपा पानी है, प्रसन्नता बांटिए, प्रसन्नता पाइए, तो ये मौका है। तो अब आप जाप करते हुए दर्शन करने के लिए आएंगे, अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और साथ में अपनी भक्ति को और बढ़ाएंगे, तो आप विधि पूर्वक आइए और आते हुए जल्दी जल्दी, बस आपने एक ही कार्य करना है, खड़ाऊ तक पहुंचोगे, छूकर आगे बढ़ोगे, लेकिन पूरी कोशिश करो आपकी तरफ गुरु की मेहर भरी नज़र आपके माथे पर पड़ जाए, बस इतना आपको कोशिश करनी है, भाग्य चक्र आपका जागे, तो आप शीघ्रता से करना और फिर जाके अपनी जगह बैठ जाओगे। और आज जब गुरु आरती होगी, गुरु आरती से पहले पहले अपनी सारी गलतियों के लिए क्षमा याचना करके अपने नियम बना लेना और ये कोशिश करनी है। आपको एक घंटा गुरु के सेवा के कार्यों में, एक घंटा भगवान के लिए, ये जरूर देना है, एक घंटा अपनी सेहत के लिए, तीन घंटे अपने लिए निकाल लीजिए, 21 घंटे दुनिया को दे देना, ठीक है? आज से आप व्यवस्था बना लीजिए, इससे ज़्यादा आप कुछ कर सकते हैं भगवान के लिए, अपने लिए, गुरु के लिए, फिर तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। होना तो चाहिए कम से कम 25% टाइम गुरु सेवा में जाना चाहिए, तो इस हिसाब से तो अगर 100 साल जियोगे 25 साल तो गुरु के लिए होने चाहिए। कुछ लोग हैं जो आके कहते हैं पूरा ही आपको दे रहे हैं, उसके बाद में अपने घर चले जाते हैं। तो अब शुरुआत कर रहे हैं, आप सब लोग अपने अपनी जगह बैठ के नाम जप करते रहिए और आके दर्शन करते रहें, और व्यवस्था ऐसी बनाइए, टाइम थोड़ा कार्य पूरा, आपने करके जाना है, अपनी जगह बैठना है, और बाद में फिर आपको कोई एक चीज़ बताएंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ बताएंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद, बैठे रहें अपनी। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।